उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन के पास पीएम के कई प्रत्याशी, भाजपा के पास नया नहीं कोई। प्रवासी भारतीय दिवस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये महान अवसर, इसका लाभ सबको मिलेगा। संभल पहुंचे सपा के कद्दावर नेता और बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर जुबानी हमला, केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। अभी 76 क्या गठबंधन हमारी 78 रहेंगे तो कांग्रेस के साथ में छोड़ी हो जीतेंगे स्वाभाविक तौर पर ही, और मैं समझता हूँ 78 के 78 और पूरी 80-80 सीटें इस बार समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और तमाम जो साथी हैं जिनके लिए हम लोग सीटें छोड़ेंगे वो लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 77 जैसी लहर चलेगी इस प्रदेश के अंदर, भाजपा 0 पर पहुंचेगी। सहायक शिक्षक भर्ती के परिणाम घोषित करने पर यूपी हाई कोर्ट की 28 तारीख तक रोक। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल 23 जनवरी से प्रदेश भर में जन जागरण अभियान शुरू करेगा। अभियान 7 दिन का होगा और पूरे प्रदेश में चलेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को लेकर एक बार फिर से बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई आरोप लगाए। बारिश से दिल्ली NCR में बड़ी ठंड, अगले कुछ दिनों तक कोहरा भी करेगा परेशान। मसूरी देहरादून मोटर मार्ग पर धोबीहाट के पास हुए हादसे के पीड़ितों से मिले मसूरी विधायक गणेश जोशी, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। 5 नेपाली गरीब परिवार जो मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे, आग लगने के कारण उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। मैंने उन्हें बर्तन, खाने का सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, और आगे मेरी कोशिश होगी सरकार से भी जो मदद होगी हम कराएंगे। रानीखेत में भी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। अब दूर दराज के ग्रामीणों को नहीं जाना पड़ेगा अल्मोड़ा, विकियासैंण, सल्ट और द्वाराहाट के बाद रानीखेत में सेट लगाने की तैयारी तेज। देखिए, अभी तक हमारे जिले में एक पहल शुरू की गई थी कि जो दूर दराज की तहसील है वहाँ के लोगों को मुख्यालय चल के आना पड़े, उसके लिए जो है 3 तहसीलों में विकियासैंण, सल्ट और द्वाराहाट में VC सेट स्थापित किए गए थे, और अब DM साहब के प्रयासों से रानीखेत में भी एक प्रयास शुरू हो गया है कि रानीखेत की भी जो जनता है प्रत्येक सोमवार को आके VC के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बातें रख सकती है, अपनी समस्याएं रख सकती है, जिसका निदान यथासंभव करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये बहुत आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा प्रशासन द्वारा दी जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसका लाभ उठाएँ।